अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मस्ती मैजिक। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं पाव भाजी की रेसिपी। यस, ये बहुत ही सिंपल मज़ेदार रेसिपी होती है। हम ये बनाएंगे डिफरेंट स्टाइल में, जो कि आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल या स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर। एक बड़ा टमाटर हमने यहाँ पे चॉप कर लिया है इस तरह से। टमाटर को हम इसमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हमारे जो भी चॉइस के वेजिटेबल्स आपको डालने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉलीफ्लावर ऐड किया है, कैरेट ऐड किया है, मटर ऐड किया है और कैप्सिकम ऐड किया है। थोड़ा सा कैप्सिकम हम रख देंगे। इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे अराउंड 2 to 3 मिनट्स तक। 2 से 3 मिनट तक भून लेने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1 बॉल और इसे कवर कर कर पकने देंगे अराउंड 10 मिनट्स तक। ये देखिए 10 to 15 मिनट्स हो गए, भाजी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट बॉईल हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा स्मैशर की हेल्प से इसे स्मैश कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करना है हमें। बस ये देखिए ये हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम बॉयल पोटैटोस। हमने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए हैं, इसे हमने बॉयल कर लिया है। बस इसमें ये ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम ड्राई मसालास। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, पाव भाजी मसाला डालेंगे 1.5 टीस्पून, कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसे भून लेंगे हम इसमें। इससे मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएंगे और सब्ज़ी में भी वो बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आएगा उसका। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अराउंड 1 बॉल और फिर से इसे हम मिक्स करके इसे पकने देंगे। इसे अभी हम कवर करके मोर 10 मिनट्स तक पकाएंगे। देखिए 10 मिनट्स के बाद हमारी सब्ज़ी और अच्छे से सॉफ्ट हुई है और अच्छे से गल गई है। अभी हम स्मैशर की हेल्प से और इसे हेल्प स्मैश कर लेंगे इस तरह से। ये आप जो देख रहे हो ये स्टाइल जो होता है, जो आप स्ट्रीट पे देखते हो पाव भाजी बनाते हैं या कोई रेस्टोरेंट में, तो इसी तरह से ही बनाते हैं। तवे पे वो सारी सब्जियां ऐड करते हैं, देन स्मैश करते हैं, देन उसमें मसाला ऐड करते हैं। तो हम बस उसी स्टाइल में बना रहे हैं आज। अभी अच्छी तरह से स्मैश हो गए सारी सब्जी, हम इसे साइड में कर लेंगे और बीच में थोड़ा प्लेस बना लेंगे ताकि हम बाकी के मसाले इसमें भून लें। इसमें हमने बटर डाल दिया है, मीडियम साइज़ की एक प्याज ली है उसे चॉप करके इसमें डाल दिया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून और जो हमने कैप्सिकम थोड़े से धबू मिर्ची जो रख दिए थे बस वो इसमें डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है, फास्ट नहीं करेंगे अदरवाइज साइड की भाजी हमारी जल जाएगी। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे इसमें। ये मसाला अच्छे से भून गया है, प्याज भी हमारी सॉफ्ट हुई है। अब हम इसे भाजी में मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे 1 बॉल और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर आप इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं। हमने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है जो कि ऑप्शनल है और धनिया डाल दिया है।
सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये देखिए ज़बरदस्त सी लग रही है हमारी पाव भाजी, बहुत ही बढ़िया रेडी हो गई है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम तवा रख देंगे लो फ्लेम पर और उस पर डालेंगे थोड़ा सा बटर, पाव भाजी मसाला 1 पिंच, रेड चिली पाउडर 1 पिंच और थोड़ा सा धनिया, इनको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। पाव को इस तरह से हमने कट कर लिया बीच में से और इसे हम मसाले में इस तरह से लगाकर इसे भून लेंगे। अच्छी तरह से सेक लेना है हमें। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार पाव लग रहा है, मसाला पाव। अभी थोड़ा सा बटर बाहर से भी लगाएगी और दोनों साइड से इसे सेक लेंगे। ये हो गया हमारा पाव भी रेडी। अब सर्व करते हैं भाजी एंड पाव। ऊपर से बटर एंड धनिया डालेंगे और गरम गरम हम इसे सर्व कर लेंगे। तो रेडी है हमारी पाव भाजी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल पाव भाजी। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाना, ट्राई करना और कमेंट कर बताना कैसी बनी आप लोगों की ये वाली डिश। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, ऐसे ही मज़ेदार टेम्पटिंग डिलीशियस डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। तो जब तक की टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।